जहां पूरे देश में लॉकडाउन 2 के चलते लोग घरों में रहकर इस वैश्विक महामारी को हराने में अपना योगदान दे रहे हैं, वहीं करनाल में भी जिला प्रशासन एवं नगर निगम के सराहनीय प्रयास से लोगों को घर घर खाद्य सामग्री एवं अन्य जरूरत की चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यहां आपको बता दें कि इसी कड़ी में करनाल मेयर रेणु बाला गुप्ता द्वारा करण विहार इलाके में दूध की वैन को हरी झंडी देकर करनाल की जनता को समर्पित किया गया। रेणु बाला गुप्ता ने इस अवसर पर बताया कि यह वैन लोगों के दरवाजे तक पहुंचेगी और उनको उचित दाम पर दूध घर पर ही उपलब्ध करवाएगी ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे। उन्होंने बताया कि हालांकि करनाल में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है, परंतु फिर भी हम सब को इससे बचाव के लिए अभी सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए जागरूक रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं सरकार के निर्देशानुसार कुछ ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन में राहत दी गई है ताकि वह अपनी रोजी रोटी कमा सके। उन्होंने बताया कि बीपीएल कार्ड धारक को पहले से ही राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उसी कड़ी में सरकार के निर्देशानुसार अब एपीएल कार्ड धारकों को भी राशन मुहैया करवाया जाएगा। वहीं मेयर रेणु बाला गुप्ता ने लोगों से आह्वान किया है कि देश जिस संकट से गुजर रहा है उसमें हम सबको एकजुट होकर अपने नियमों का पालन करना हो। यहां आपको बताते चले कि पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र नोतना भी मौजूद रहे। उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने का आह्वान किया। देखिए एक रिपोर्ट। मिलेगा इस टाइम लॉकडाउन के समय इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी में सभी कोई अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। अब हमारा देश लॉकडाउन 2 की स्थिति में है। लॉकडाउन 1 में भी सभी ने अपनी सेवाएं देते हुए, चाहे किसी को राशन है क्या, चाहे जरूरतमंद सामान है, हर तरह का पहुंचाया। अब लॉकडाउन 2 चल रहा है और इसमें जिस तरह से डेयरियों का संचालन हो रहा है, डेयरियों से दूध की आजकल खपत भी हो रही है, तो यहाँ पर मड़हान डेयरी की तरफ से हमारे पार्षद यहाँ पर समाजसेवी भाई भूपेंद्र नोतना जी की तरफ से एक वैन शुरू की गई जिसमें अच्छी क्वालिटी का दूध है, वो 40 रुपये लीटर के हिसाब से सबको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें विशेष हम कहना चाहेंगे कि ये सैंपल समय समय पर प्रशासन के द्वारा इसका लिया जाएगा ताकि अच्छी क्वालिटी का दूध लोगों को मिल सके। इसके लिए आज यहाँ पर इस वैन की शुरुआत की गई है। मुझे लगता है कि लोगों को ये होम फैसिलिटी डोर टू डोर स्टेप पर जाने वाली बहुत अच्छी लगेगी ताकि लोग अपने घरों से ना निकले और विशेष तौर पे उन्हें अच्छा दूध उन्हें मिल सके। और इस महामारी में जिस तरह से सभी समाजसेवी संस्थाओं ने, सभी समाजसेवियों ने मिलकर सहयोग किया है, मुझे लगता है कि हमारे हरियाणा से तो ये कोरोना भागेगा और देश से भी इसका संपूर्ण तरह से हम इसे लुप्त कर देंगे। जिस तरह से सरकार और प्रशासन काम कर रही है और लोगों ने मिलकर सहयोग किया है, आने वाले समय में जो करनाल की स्थिति है बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि आगे इस स्थिति को हमने संभाल के रखना है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आगे लोगों को अभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अभी हमारा शहर, भले ही हमारे यहाँ कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, पर हमारे देश में, हमारे आसपास के एरिया में संक्रमित हमारे कोरोना से हमारे भाई बंधु हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि इस तरह की समस्या ना आ जाए। तो लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अपने घरों में रहें, जब लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन करें ताकि हम इसे मात दे सकें और हम इसे हरा सकें। कुछ ढील दी गई है प्रशासन की ओर से दुकानों के बारे में, उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में 9 से 12 प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैंड टू माउथ है, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, तो इस तरह की समस्या ना आए। विशेष तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो जरूरत के सामान के लिए उनकी 9 से 12 तक की सुबह की दुकानें खोल दी गई हैं। पर शहर में बहुत सारी चीज़ें जो लोगों की ज़रूरत की हैं वो होम डिलीवरी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और सभी यहाँ पर चाहे राशन होल्डर्स हैं, चाहे हमारे डेयरी प्रोडक्टर्स हैं, सब होम डिलीवरी देने के लिए तैयार हैं। तो शहर में कुछ इस तरह की व्यवस्था की गई है कि लोगों को घर तक सामान पहुंचाया जा सके ताकि लोगों को बाहर ना निकलना पड़े। और शहर की स्थिति कुछ नाजुक रहती है
लोगों की मूवमेंट कुछ ज़्यादा बढ़ने से भीड़ भाड़ का एरिया हो जाता है, तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी सी ढील देकर एक बार जांचा जाएगा कि कहीं हम स्टे रह पाते हैं, स्टेबल रह पाती है हमारी कंडीशन। उसके बाद जैसे जैसे हमारी यदि कंडीशन अच्छी रहती है, हम शहरों में भी इस तरह की सुविधाएँ प्रदान करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.